डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग इन हैशिंग, जिसको हम ओपन हैशिंग भी बोलते हैं। मैंने कैटेगराइजेशन आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दी है कि हम कोलिजन को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पूरी डिटेल में चेनिंग से रिलेटेड, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, कैसे हम काम करते हैं। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, बहुत जरूरी है सब्सक्राइबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया ताकि एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि चेनिंग जो है वो कैसे काम करता है। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास आया 42, 19, 10, 12, ये मेरे पास कीज है, और मेरा जो फंक्शन है हैश फंक्शन वो है k mod 5। तो k mod 5 है, तो मैंने 0 से लेके 4 तक का हैश टेबल बना लिया। सबसे पहले क्या आया, 42 मोड 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो यानी सेकंड में हमने क्या करना है, यहां पे हमने 42 को डालना है, जैसे हम हमेशा करते हैं। अब अगर चेनिंग की अगर हम बात करें ना, अगर मुझे पता है कि कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए मैं चेनिंग को यूज कर रहा हूं, तो फिर हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे 42 की, बिल्कुल लिंक लिस्ट की तरह। जैसे लिंक लिस्ट में हम नोड क्रिएट करते हैं, नोड के अंदर दो पोर्शंस होते हैं बाय डिफॉल्ट, एक होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं और दूसरा होता है जिसमें हम नेक्स्ट पॉइंटर को या नेक्स्ट जो नोड है उसके एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो अब हम वही काम करने जा रहे हैं। तो 42 मैंने यहां पे स्टोर कर दिया, 42 मेरे को पता लग गया कहां पे आएगा, 42 सेकंड लोकेशन में आएगा। तो 42 हमने एक नोड क्रिएट कर दी। अब इस नोड का जो भी एड्रेस होगा, लेट्स से इस नोड का एड्रेस है 1000, तो हमने क्या करना है, यहां पे 1000 एड्रेस डाल देना है। मतलब यहां पे एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा इस 1000 एड्रेस को, मतलब कहने का जो पॉइंट करेगा 42 को। तो इस तरीके से हम चेनिंग जो है वो यूज करते हैं। देन आ गया 19, तो 19 के केस में क्या करेंगे, 19 mod 5, 4 आएगा। तो लो जी, 4 एड्रेस पे हमने क्या कर दिया, 19 को स्टोर कर दिया। देन हमारे पास आया 10, तो 10 क्या होगा, 10 mod 5, रिमाइंडर 0। तो लो जी, यहां पे हमने 10 को स्टोर कर दिया। देन हमारे पास आया 12, अब देखो 12 mod 5 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। यानी ये कहां पे जाना चाहिए, इस पॉइंट पे, इसमें तो ऑलरेडी मेरे पास नोड है। तो हमने करना क्या है, बिल्कुल लिंक लिस्ट की तरह जो है एक एक करके नोड को इंसर्ट करते रहेंगे। तो नोड क्या है मेरी, 12, तो लेट्स से हमने यहां पे 12 को डालना है। अब लिंक लिस्ट में हम बिल्कुल इनिशियली कैसे इंसर्ट करते हैं, स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं, लेट्स से ये मेरा था नोड 12 और इसका एड्रेस है लेट्स से 2000। तो हमने करना क्या है, यहां पे हमने 2000 एड्रेस डाल देना है, और 2000 एड्रेस क्या करेगा, अब ये इसको एक तरह से पॉइंट करेगा, और इसका जो नेक्स्ट होगा इसके नेक्स्ट में हमने 1000 डाल देना है। तो यानी ये पॉइंट किसको करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो यानी बस ये वाला जो पॉइंटर है, इसके लिंक को यहां से तोड़ के हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, और इसके नेक्स्ट में हमने इसका पॉइंटर डाल दिया, इसका एड्रेस डाल दिया, तो ये इस तरीके से पॉइंट करेगा। तो अब मतलब आपकी जो नोड है वो इस तरीके से बन जाएगी, ये आपका 12 आगे आ गया और उससे पहले हमने डाला था 42, तो वो इस तरीके से ऐड हो गया, ये आपका 12 बन गया। 12 के आगे मेरे पास क्या था, 42 था। लो जी, 42 हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। तो एक एक करके जो भी नोड्स आते जाएंगे हम इंसर्ट करते जाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांटेजेस, चेनिंग में इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि चेनिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन कितनी बन रही है, मिनिमम लेंथ ऑफ चेन कितनी बन रही है, एवरेज लेंथ कितनी बन रही है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं। एडवांटेज की बात करें तो सबसे मेजर एडवांटेज है डिलीशन जो है वो क्या है, आपका इजी बन जाता है। डिलीशन जो है वो क्या है, इजी है इन केस ऑफ चेनिंग। क्यों, आपको लेट्स से 12 को डिलीट करना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहां पे 12 को डिलीट करने के लिए आपको जो 42 का एड्रेस है वो यहां पे डाल देना है और 12 को फ्री कर देना है। मतलब जो नेक्स्ट एड्रेस है उसका एड्रेस हमने यहां पे डाल दिया और 12 को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो सिंपल, जैसे हम लिंक लिस्ट में डिलीट करते हैं वैसे ही आपको यहां पे क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीशन इजियर है, और जब हम आगे जो लीनियर प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम जब हम उनके अंदर देखेंगे ना, तब आपको और आइडिया क्लियर होगा कि उनके अंदर रिलेटिवली क्यों हम बोल रहे हैं कि इसमें इजी है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। तो वो जब हम करेंगे तो उसमें थोड़ा और आपको क्लियर होगा। देन अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की या एडवांटेज में अगर हम बात करें, सबसे पहले इंसर्शन की, तो कांस्टेंट टाइम में आपका क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। क्यों हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इंसर्शन के केस में स्टार्टिंग में ही नोड को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्शन आपका इजी है। लेकिन सर्चिंग की अगर हम बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्चिंग की अगर आप बात करो ना, चेनिंग के केस में सर्चिंग क्या होगी,
ऑर्डर ऑफ एन तक जा सकती है। ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बोल सकते हो सर्चिंग की भी और डिलीशन की भी, क्योंकि डिलीट करने के लिए भी तो आपको सर्च करना पड़ेगा। और वो कौन सा केस बनेगा कि लेट से आपके पास जितनी भी कीज है वो सारी की सारी कीज लेट से एक ही वैल्यू पे फिक्स हो रही है, मतलब एक ही जगह पे जाके सारी की सारी कीज आपकी आ रही हैं, तो उसको इसमें होगा कि आपकी लिंक लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी, तो आपको एक तरह से स्कैन करना पड़ेगा सर्च करने के लिए, और अगर डिलीट करना है तब भी आपको स्कैन करना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ एंड टाइम तक जा सकती है। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करें, लेट से आपके पास डेटा आ गया 2, 12, 32, 42, 52, 62, इस तरीके से डेटा आया, तो वो सारा इसी जगह पे जाता जाएगा, एक ही जगह पे चेन जो है वो बनती जाएगी। ये इसका वर्स्ट केस जो है वो ऑर्डर ऑफ एन तक जा सकता है। और दूसरा आपको ये और भी दिख रहा होगा कि यार ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है। देखो आपके पास ऑलरेडी कुछ स्पेस अवेलेबल है, कुछ स्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन स्लॉट्स को भरने की बजाय ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो यूज करता है, इसीलिए इसको हम ओपन हैशिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो यूज कर रहा है, ओपनली नेक्स्ट नोड बनाता जा रहा है, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। तो ये मेन पॉइंट जो है वो आपके ओपन हैशिंग में या फिर आप बोल सकते हो चेनिंग में इतना ही है। एक छोटा सा पॉइंट आपको और बता दूं, लोड फैक्टर कई बार पूछ लेते हैं, दैट व्हाट इज अ लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आप कीज बोल सकते हो, कितनी आपके पास टोटल कीज है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, और आपके पास स्लॉट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो लो जी 4/5 आपकी क्या आ गई इस केस में, लोड फैक्टर जो है वो बन जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू चेनिंग। थैंक यू।